सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एंडी स्कारलेट के बारे में, जिन्होंने बैटमैन फिल्म को लेकर कुछ कहा है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको ये पता है कि एंडी स्कारिस कैसे एक्टर है, मुझे आपको उनके बारे में ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि रिसेंटली उनका रोल हमने ब्लैक पैंथर फिल्म में देखा है। तो अब बात करें उनके बारे में, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात कही है कि वो चाहते हैं कि उन्हें डीसी के यूनिवर्स में एक रोल दिया जाए और मेरे हिसाब से ये चीज पॉसिबल भी है। और कौन सी फिल्म, मैं आपको वो भी नाम बता देता हूँ। मुझे लगता है कि हमें एंडी स्कारलेट नजर आएगी द बैटमैन फिल्म में। क्यों? क्योंकि उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मैट रीव्स और एंडी स्कारलेट ने मैट रीव्स के साथ में वॉर फॉर द प्लैनेट्स ऑफ द एप फिल्म की है, जिसमें एंडी स्कारलेट का रोल था सीजर का। तो एक हिसाब से वो काफी ज्यादा क्लोज है मैट रीव्स के। और उन्होंने उस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ मैट रीव्स का। मैट रीव्स एक ब्रिलियंट डायरेक्टर है और मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं उनके साथ में काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। जब भी वो मुझे बुलाएंगे तो मैं हाजिर हूँ। तो इस चीज से ये साफ होता है कि उनका दी बैटमैन फिल्म में कोई ना कोई रोल जरूर होगा, जिसके बारे में फिलहाल तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं यही लगता है कि वो इस फिल्म में नजर जरूर आएंगे। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर मैट रीव्स ने एंडी स्कारलेट को अपनी फिल्म में रोल दिया तो वो उन्हें उस फिल्म में कौन सा रोल देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कितनी पसंद आई है मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।